साई किचन। तो फ्रेंड्स, पंजाब का बहुत बहुत फेमस सरसों का साग आज हम बनाएंगे काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। इस साग को बनाने का सबका अपना अलग अलग तरीका है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखने के बाद आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पंजाब की ट्रेडिशनल सरसों के साग की रेसिपी के लिए मैंने लिया है 1 किलो सरसों का साग, 1/2 किलो पालक का साग, 150 ग्राम मैंने लिया है बथुआ का साग और 25 ग्राम मेथी का साग। मैंने इन सभी सागों को अच्छे से धो के और काट के लिया है। इसे अब हम बॉइल करेंगे। साग को बनाने के लिए मैंने लिया है कुकर। इसमें हम डालेंगे सरसों के साग को। इसके बीच में डालेंगे लहसुन। मैंने 10-15 लहसुन को काट के लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है, आप चाहे तो उसे काट के ले सकते हैं। 3-4 हरी मिर्च ये हम डालेंगे बीच में। 1 चम्मच डालेंगे हम नमक, अब स्वाद अनुसार नमक डालें। और मैं डालूंगी पालक के साथ को। ये अभी दिख रहा है इतना ज्यादा, जैसे जैसे कुक होगा हमारा साग एकदम गल जाएगा। ये बिल्कुल इसकी क्वांटिटी थोड़ी हो जाएगी। इसके बाद मैंने ढक्कन खोला है कुकर को। हमारा साग जो है बहुत ही अच्छे से उबल गया है। इसको हम मिक्सर की सहायता से अच्छे से प्रेस करके इसको घोट लेंगे। आपके पास यदि घोटनी है तो आप उसे घोटे, नहीं तो मिक्सर की सहायता से कर लें। यदि इससे भी नहीं हो तो आप मिक्सी ग्राइंडर में इसे ठंडा करके दरदरा सा पीस सकते हैं। तो अच्छे से ऐसे दबा दबा कर प्रेस करके उसको घोट लेंगे। साग को हमने अच्छे से घोट लिया है और इसमें एक अच्छी बाइंडिंग के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच मक्की का आटा और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसे घोट लूंगी। इसमें ताकि कोई लम्स ना रहे। आप इसके जगह गेहूं का आटा या बेसन भी ले सकते हैं। गैस का फ्लेम मैंने स्लो रखा है और मैं इस मक्के के आटा को थोड़ा थोड़ा करके इसे मिलाते जाऊंगी और घोटते जाऊंगी साथ में, ताकि ये अच्छे से कुक होते जाए और जो हमारा साग है वो अच्छे से बाइंड हो जाए। मक्की का आटा हमारा अच्छे से कुक हो गया है और जो साग है हमारा वो भी बहुत अच्छे से इसको बाइंडिंग मिल गई है। और अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए मैंने एक कढ़ाई को गर्म किया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसमें मैं डालूंगी देसी घी। साग, सरसों का साग जो है वो देसी घी में ही बनता है। इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा, 3 हरी मिर्चें और 3 ही लाल मिर्चें। इसे हम अच्छा से क्रेकल होने देंगे। लाल मिर्चें जो है हम इसको निकाल लेंगे, ये इसको हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अब मैं डालूंगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है, आप काट के भी ले सकते हैं। 1 गांठ मैंने ली है लहसुन की, उसे भी काट के मैंने लिया, फाइन चॉप किया हुआ है। 1 बड़े साइज को प्याज को मैंने फाइन चॉप किया हुआ है वो डालेंगे हम। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे हम। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इस स्टेज पे मैं डालूंगी 1 टमाटर जिसे फाइन चॉप किया हुआ है। साग के अंदर मसाले नहीं जाते हैं, बहुत ही कम, सिर्फ धनिया पाउडर और नमक ही जाता है इसके अंदर। और टमाटर भी कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 टमाटर जरूर डालती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद आता है इसमें टमाटर। इसके साथ ही मैं डालूंगी नमक, स्वाद अनुसार नमक डालें।
थोड़ा सा मैं डालूंगी धनिया पाउडर, बस यही मसाला इसके अंदर जाता है। और इसे मैं 2-3 मिनट तक कुक करूंगी ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी जो धनिया पाउडर मैंने डाला है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इस स्टेज पे मैं डालूंगी इसके अंदर साग, इसे भी मैं 3-4 मिनट तक ढक के अच्छे से कुक करूंगी ताकि ये अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाए। हमारा साग बन के रेडी है, अभी इसे हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा तो ट्रेडिशनल पंजाबी स्टाइल सरसों का साग बन के रेडी है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें और आपका कैसा बना है मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑन करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स।